सरकार कितने पैसे देके बुलाया इस पहलवान को हारने के लिए? क्या बोल रहा है? घंटा के सरकार है ये, एक लौंडा तो पैदा कर नहीं सका। इससे हम काहे को डरे वे? अगर असली मर्द का बच्चा है तो बोल दे, मेरे साथ भी दो दो हाथ करके देख ले। छोड़ो छोड़ो, जो ना कहता हमेशा की तरह कि पैर पीछे पर गिरता बिना कोई पॉइंट नहीं, वो भी जीत लेगा। कम से कम एक पॉइंट तो वो जरूर लेगा, देखना। खेलने वाला तो खेले है बंटा, देखने वाले को क्या समझ में आएगा घंटा। पहलवान किट्टा को जीतने के लिए 5 पॉइंट की जरूरत है, लेकिन बलजीत सिंह भी कड़ी टक्कर दे रहा है। आज वो हार मानने वालों में से ना है। कहाँ चले? सुनाई नहीं दिया? सरकार मंदिर। मंदिर? अच्छा, वो कुश्ती में जीता तो मन्नत मांगी थी कि मंदिर। यार सोच समझ कर जवाब देना। मन्नत मांगी है तुमने? मैंने सरकार इसके लिए मन्नत मांगी थी। पता चल गया क्या? अबे ये तो भगवान ही जाने। नेशनल्स में सिलेक्ट होना है इसे, इसलिए पुलिस स्टेशन और लड़ाई झगड़े से दूर रखना है इसे, समझे? सरकार क्या कह रहे हैं आप? अखाड़े में करते हैं कुश्ती, बाहर निकलते ही दोस्ती, ऐसी है इनकी हस्ती। कौन से मंदिर जा रहे हो? आसमान से गिरे खजूर में अटके, वो गणेश मंदिर। गणेश मंदिर के बाद महालक्ष्मी मंदिर। महालक्ष्मी को कभी देखा भी है क्या? देखा है, ये भी कोई पूछने वाली बात है? सुंदर चेहरा और चेहरे की वो रौनक, क्या आकर्षण है। वाह वाह वाह, बता नहीं सकता इतनी खूबसूरत है। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, मैं यहाँ से निकलने की कोशिश तो कर रहा हूँ। वो क्या है कि अब वाओ, बाल बाल बच गए। उस तरफ ना। हाँ हाँ उसी तरफ। ए इडियट, दिखाई नहीं देता क्या? ना तरफ ही आ रहे हैं। जब जब धरती पर अन्याय और अत्याचार बढ़ता है, असुरों का अट्ठास बढ़ता है, उसके अंत के लिए उन्हें आना ही पड़ता है। मजाक कर रही हो क्या? चिल, हमें कुछ नहीं होगा, पूजा पर ध्यान दो। ए हीरो, किससे पंगा ले रहा है जानता भी है? सॉरी सर। भैया सरकार के बारे में कुछ बोला है आपने? क्या बोला था? थोड़ा याद करके बताना, क्या बोला था? अगर असली मर्द का बच्चा है तो बोल दे, मेरे साथ भी दो दो हाथ करके देख ले। हाँ तो? कुछ नहीं भैया, मेरे माँ बाप भगवान गुरु जैसे सरकार के बारे में इतना कुछ बोला है तो सोचा कि मिलके जाऊँ। किसके इलाके में आया है जानता है क्या? हेलो, आ गए हैं तो जान भी जाएंगे। ऐसा क्या? एए! दरवाजा बंद कर। अरे भाई टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूँ ना, मैं ही बंद कर देता हूँ।
दरवाजा क्यों बंद करवाया? धोने के लिए भाई। तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, धो दे। मैं मार धार नहीं कर सकता। ये फाइटिंग के लिए नहीं, सरकार फोन करेंगे, थोड़ा मैनेज कर लेना प्लीज। ये कर सकता हूँ। मेरी कुटाई होने वाली है सरकार। मैंने फोन किया है, ये बात उसे बताना मत। बेटा नंबरी तो बाप दस नंबरी। नहीं बताऊंगा सरकार। क्या कर रहा है वो? तोड़ रहा है, नारियल तोड़ रहा है सरकार। ओ सरकार? खड़े खड़े क्या कर रहे हो, नीचे बैठो। बैठ गया। कर लो जाओ। दर्शन तो हो गया, अब प्रसाद बांट रहे हैं सरकार। आप सब लोग जाओ दर्शन करो, चलो चलो चलो। क्या बकवास कर रहे हो तुम, फोन दो से। सरकार, सरकार। कृष्णा? जी सरकार। आरती चल रही है बेटा? हाँ सरकार, हाँ सरकार। ठीक है, जल्दी दर्शन कर आ जाओ। जी सरकार। मैं राणा का आदमी हूँ। कौन सा राणा? राणा स्थलीपुर का राजा। तेरे राजा के सर पर क्या सिंह है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं सरकार के बारे में कभी कुछ नहीं बोलूंगा। कहते हैं गलती करने वाले को एक बार माफ कर देना चाहिए। दोबारा मेरे भगवान के बारे में कुछ बोला तो? नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा। जब शर्ट पहननी है तो उतारते क्यों हो, समझ में नहीं आता। सरकार के बारे में तुम कुछ नहीं जानते पापा, घर तो चलो। है
के बीचों बीच कटआउट किसने लगवाया? जी वो रोड पब्लिक का है, किसी के बाप का नहीं, क्लाउस है। जी ए सुन, इस जगह पे ये कटआउट कब से लगा है? मुझे नहीं पता साहब, मैं इस गांव का ही नहीं हूँ। सर आप यहाँ पर नए आए हैं, इसीलिए आप उनके बारे में नहीं जानते। कोई लीडर है कि देशभक्त? उनमें से कोई नहीं है सर। तो है कौन? ये हैं हमारे गांव के महाराजा। बरसों से इनका ही परिवार यहाँ पर राज करता चला आ रहा है। यहाँ के सब लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं। गांव में किसी भी काम की शुरुआत इन्हीं के हाथों से होती है। यहाँ के एमएलए एमपी को जनता नहीं यही चुनते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई इनके मान सम्मान पर एक उंगली भी उठा दे, और अगर उठाई तो फिर तो क्या करेगा हा? राजा हो या मंत्री, गलती तो गलती है ना। कानून सबके लिए एक ही है, इसे तो मैं ही उखाड़ फेंकता हूं। लात चलाएगा तेरी इतनी हिम्मत? राजा साहब ये गांव में नए हैं, इनसे अनजाने में गलती हो गई। इनसे नहीं, इससे। मेरा नाम है राणा, राजा राणा प्रताप वर्मा। सरकारें बदलती हैं लेकिन राजा नहीं बदलता। ये राणा क्या बला है पता है तुझे? अगर शादी का घर है तो वहां दूल्हा हूं मैं, और अगर मातम का घर है तो वहां लाश भी मैं। इस इलाके का हर शख्स पहला सलाम मुझे ठोकता है, और तेरी ये जरूरत कि तूने मेरे कटआउट को छुआ? नहीं राजा साहब नहीं, मैं इसे समझा दूंगा, इसने अनजाने में गलती कर दी है। ए चल चल, अरे चलना चलो। ठहर, सैल्यूट मार। सैल्यूट मारेगा ना राजा साहब? सर सैल्यूट मारिए वरना ये हमें मार देगा। सैल्यूट मारिए सर। ये तो यहां